आफ्टर स्मूदिंग, रिबॉन्डिंग या फिर केराटिन आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए? और एक हेयर ड्रेसर प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू ही क्यों रेकमेंड करते हैं और उनके सब्स्टिट्यूट क्या हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो आपके बजट में हो, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ बने रहना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सलून एंड हेयर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी हमारे अराउंड 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड आई विश दैट वीडियो विल रीच मोर एंड मोर, एंड दैट विल बी पॉसिबल इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, एंड यस, आई एम इतुनियाल एंड वेलकम टू हेयर ड्रेसर जोन। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आफ्टर स्मूदिंग रिबॉन्डिंग जो उनके हेयर ड्रेसर ने प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड किया उन्हें करने के लिए, अगर वो ना करें तो उनके स्मूदिंग का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा या फिर हेयर में बैंड आ जाएगा या स्मूदिंग का रिजल्ट धीरे धीरे वॉश के साथ निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई कंज्यूमर शैम्पू हो या फिर कोई प्रोफेशनल शैम्पू। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों हम हेयर ड्रेसर इतना महंगा प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड करते हैं? तो होता क्या है कि जब हम स्मूदनिंग करते हैं, जिस स्ट्रेटनिंग क्रीम का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है केमिकल अमोनियम थायोग्लाइकोलाइड, जो आपके हेयर को काफ़ी ड्राई कर देता है। यह आपके हेयर के पीएच लेवल को 10 टू 12 तक ले जाता है, एल्कलाइन की तरफ ले जाता है, ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। इसलिए आपको एक सल्फेट फ्री शैम्पू रेकमेंड किया जाता है। सो सल्फेट फ्री शैम्पू आपके ड्राई हेयर को और ड्राई नहीं करता वॉश के टाइम पे। अब अगर आप कंपेयर करेंगे किसी प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू में या फिर किसी कंज्यूमर शैम्पू में, तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि जितने जो प्रोफेशनल शैम्पू हैं सल्फेट फ्री, इनके टाइम पे लेदर काफ़ी कम बनता है। जी हाँ, वॉश के टाइम पे जो झाग आता है वो बहुत कम आता है इन प्रोफेशनल शैम्पू से, पर वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर शैम्पू में बहुत ज़्यादा लेदर बनता है, जिसके पीछे का रीज़न है सल्फेट। यहाँ सल्फेट आपके हेयर को वॉश करता है, क्लीन करता है, हेयर से ऑयल और डस्ट को निकालता है, साथ ही साथ हेयर को काफ़ी ड्राई कर देता है। तो जितने ये कंज्यूमर शैम्पू है, इनका जो पीएच लेवल होता है वो एल्कलाइन की तरफ होता है, ड्राइनेस की तरफ होता है। वहीं जो प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू है, इनका पीएच लेवल एसिडिक की तरफ होता है। पर जैसा मैंने बताया कि आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करें, चाहे वो कंज्यूमर शैम्पू हो या फिर कोई प्रोफेशनल शैम्पू, इससे आपके स्ट्रेट हेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके हेयर को ड्राइनेस से बचाने के लिए आपको रेकमेंड किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं आपका स्मूदिंग रिबॉन्डिंग आप कौन सा शैम्पू ले सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रेकमेंड किए जाते हैं वो है एक्सेंशो, एक्सेंशो गोल्ड, बीसी स्मूथ परफेक्ट, रिवाइवर रिपेयर शैम्पू, स्टिक्स कैनवो, न्यूट्री एनरिच, या फिर कोई सा भी डीप नरिशिंग शैम्पू जो प्रोफेशनल हो, आप वो ले सकते हैं जो आपके बजट में हो। या फिर अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो आप कोई कंज्यूमर सल्फेट फ्री शैम्पू भी ले सकते हैं। ट्रेसमे, मैट्रिक्स, डव, ये भी सल्फेट फ्री आते हैं, इनमें से भी आप कोई सा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई नया शैम्पू नहीं लेना, किसी नए शैम्पू में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आप वही शैम्पू करना चाहते हैं जो आपके पास है, तो वो भी कर सकते हैं, आप उसको भी सल्फेट फ्री शैम्पू बना सकते हैं। यहाँ आपको करना क्या होगा कि आपको अपने शैम्पू में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करना होगा, जिससे आपके शैम्पू में से सल्फेट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब अगर आप वॉश करेंगे तो लेदर कम बनेगा, हेयर मिनिमम वॉश होंगे और मिनिमम ड्राई होंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये तो बात रही सिर्फ शैम्पू की, पर शैम्पू का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, मेन रोल है आपके हेयर मास्क का। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमने हेयर को स्ट्रेट करके ड्राई कर दिया, वहाँ पे शैम्पू के बाद हेयर मास्क यूज़ करना आपके लिए नेसेसरी है, हेयर को मॉइस्चराइज रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट रखने के लिए। तो जितने अभी तक मैंने शैम्पू बताए हैं, आप उनका हेयर मास्क ले सकते हैं, या फिर आप हेयर स्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन हेयर मास्क, जिसके लिए आप लोरियल, मैट्रिक्स या किसी दूसरी अच्छी कंपनी का हेयर स्पा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पा एसेंस का हाइड्रेट वाला। अब जितने मैंने शैम्पू, हेयर स्पा, हेयर मास्क बताएं, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। तब तक जो हमने बात की है वीडियो में, वो सिर्फ स्मूदिंग हेयर के लिए, नॉट फॉर केराटिन हेयर। यहाँ पे केराटिन हेयर की सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्मूदिंग का रिजल्ट वॉश के साथ नहीं निकलता, पर केराटिन का रिजल्ट वॉश के साथ निकल जाता है, क्योंकि केराटिन हेयर की आउटर लेयर क्यूटिकल पे किया हुआ एक ट्रीटमेंट है जो वॉश के साथ धीरे धीरे निकल जाता है, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल सल्फेट फ्री शैम्पू की जरूरत होगी अपने केराटिन के रिजल्ट को लॉन्ग लास्ट रखने के लिए। यस, आप हेयर मास्क को इग्नोर कर सकते हैं। अब केराटिन के बाद हेयर स्पा के लिए मना करते हैं, तो हेयर मास्क भी सजेस्ट करना गलत होगा। अब केराटिन का रिजल्ट जो है वो 2 से 3 महीने रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है, जिसके बीच में आपको ना हेयर स्पा की जरूरत पड़ती है ना ही हेयर मास्क की।
हाँ, अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि केराटिन के बाद आपके हेयर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू डोंट नीड हेयर मास्क फॉर केराटिन हेयर। नाउ आई होप आफ्टर स्मूदिंग, रिबॉन्डिंग या फिर केराटिन, आपको शैम्पू सजेस्ट करने में या फिर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड आई विश ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी जाएं सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिलेंगे इसी चैनल पे नेक्स्ट वीक किसी और हेयर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। बाय।